दोस्तों, मैं मुकम लेसन हूँ, वेबिनार सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम कुछ बढ़िया सा नाश्ता बनाते हैं। हम बनाते हैं बेसन का चीला। इसके लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है देखिए, ये है आमचूर आधा चम्मच, कसूरी मेथी आधा चम्मच, एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, देगी मिर्च एक चम्मच, अपने स्वाद अनुसार टेस्ट अनुसार घी, उबला मटर एक कटोरी, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और मिर्च भी आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। हरा धनिया है और ये एक प्याज कटी हुई। उसके लिए हमें ये चाहिए 250 ग्राम पनीर। पनीर ये है गरम मसाला 1/4 चम्मच, 250 ग्राम बेसन लिया हमने, हम आधा चम्मच जीरा भुना हुआ पिसा हुआ। आइए बनाते हैं अब बेसन का घोल। सबसे पहले इसमें हम हल्का सा नमक डालेंगे, आधा जीरा पाउडर डालते हैं, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसका घोल बनाएंगे पानी डाल के। आपको जो बेसन का घोल बनाना है, जैसे हम पकौड़ों का पेस्ट बनाते हैं उतना पतला इसको रखना है। घोल बनाकर हम 5-10 मिनट के लिए इसे रखते हैं ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। तो हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले हम तेल या घी अपने इच्छा अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज भून लेते हैं। प्याज को बहुत ज्यादा नहीं भूनना, हल्का सा ही भूनना है। जैसे ही प्याज का कलर बदलता है तो हम ये हमारी प्याज तैयार। ज्यादा भूनने के बाद प्याज का टेस्ट खत्म हो जाता है, इसलिए हम इसको कलर चेंज होने तक ही भूनेंगे। हमारी प्याज भून चुकी है। थोड़ा सा शिमला मिर्च को भी हल्का सा भूनेंगे। शिमला मिर्च को भी ज्यादा नहीं भूनते, इसका टेस्ट खत्म हो जाता है अगर इसको हम 70% से ज्यादा भून देते हैं। अब हमारी शिमला मिर्च भी तैयार है। अब हम इसमें सभी मसाले ऐड करेंगे। हमने मटर डाली, कसूरी मेथी, जीरा पाउडर, गरम मसाला, आमचूर और स्वाद अनुसार मिर्च डाल सकते हैं। हमने देगी मिर्च डाली है और हम हरी मिर्च भी डालेंगे, इसीलिए मैंने लाल मिर्च देगी मिर्च थोड़ा सा कलर मात्र के लिए ही डाला है। आपको भून लिया है, मसाले डालने के बाद ज़्यादा नहीं भूनना है, हमारे मसालों को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे, आप चाहे तो हल्दी भी डाल सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अब मैंने इसमें पनीर डाल दिया है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा ही भूनना है। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, बंद करने के बाद अब हम इसमें हरा धनिया मिलाएंगे। हमें हरा धनिया भूनना नहीं है, इसलिए इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। स्टफिंग तैयार, ये स्टफिंग हमने तैयार कर ली है, इसमें प्रॉपर वेज भी डाली है हमने और अब हम बनाते हैं टेस्टी सा चीला। दोस्तों, हमने ये अपना जो बेसन भिगो कर रखा था 10 मिनट के लिए, वो हमारा बेसन अच्छी तरह तैयार हो गया है। तो अब जैसे हमें पेस्ट चाहिए हम वैसा इसको तैयार कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला और इसको अच्छी तरह घोल दिया। हमें पेस्ट पतला रखना है ताकि चीला भी हमारा अच्छी तरह पतला बने। पेस्ट मोटा रखेंगे तो हमारा चीला भी मोटा बनेगा। थोड़ा सा पानी और डालूंगी। देखिए, ये देखिए, हमने अब ये पेस्ट तैयार कर लिया है। तो आइए, अब हमारा पेस्ट भी तैयार है, हमारी स्टफिंग भी तैयार है। तो हम शुरू करते हैं स्वादिष्ट
आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगने वाला। जी हमने अपना ये तवा गरम करना है, थोड़ा सा हम उस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद हमारा ये जैसे ही टेम्परेचर ठीक होगा चीले के लिए, आप देख सकते हैं ये फ्यूम्स उठ रही हैं तवे पर, तो इसका मतलब है कि अब हमारा तवे का टेम्परेचर चीले के लिए तैयार है। और इसको हम सिम पे करेंगे और पानी के छींटे लगाएंगे ताकि ऊपर का टेम्परेचर डाउन हो जाए, तभी हमारा बेसन इस पर ठीक से चिपक पाएगा। और इसको साफ कर लेंगे। अब हम जो है बैटर डालेंगे इस पर और फैलाना शुरू करेंगे। आप बड़े बड़े बनाना चाहते हैं क्या, छोटे छोटे बनाना चाहते हैं, इसको भी लगा देंगे ताकि ये आसानी से निकल जाए। अगर आप हैवी खाना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा घी लगा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि घी कम खाना है तो आपकी इच्छा के अनुसार लगा सकते हैं। हमारा चीला ये तैयार होने जा रहा है, एक बार हम इसको पलट देंगे और तब आकर थोड़ा सा इसे उधर से भी अच्छी तरह सेक लेंगे ताकि बेसन कच्चा ना रह जाए। उलट पलट कर आप कई बार इसे सेकिए, क्योंकि कच्चा बेसन रह गया तो उसमें हमारी सेहत को नुकसान कर सकता है। दोस्तों ये हमारा चीला आप देख रहे हैं सुनहरा रंग हो गया है और ये चीला तैयार हो चुका है। बीच में स्टफिंग रखिए और आप इसको फोल्ड कर सकिए। अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इस तरह हमारा चीला तैयार है। देखिए आप कितना देखने में कितना स्वादिष्ट है और क्रिस्पी। दो चार चीला के बाद हमें बार बार घी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको एक बार साफ करना जरूरी है। इस तरह हम इसको साफ कर लेंगे तो हमारा चीला बहुत अच्छी तरह फैल पाएगा। बार बार इसको बना सकते हैं और ये ऊपर डालेंगे। मैंने खूब अच्छी तरह से दबा दबा के सेका है, ये काफी क्रिस्पी हो चुका है और अच्छी तरह पक गया है। और मैं इसमें स्टफिंग भर दूंगी और इसको तुरंत मैं सर्व करूंगी। इसी तरह हम जितने भी हमें जरूरत है अपने परिवार में जितने भी खाने वाले हैं सभी के अनुसार घोल डालते जाएंगे और बनाते जाएंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। देखिए हमारा चीला कितना क्रिस्पी और अच्छा बना है। खाने में देखने में भी बहुत स्वाद है, खाने में स्वाद तो है ही है, लेकिन इसे चटनी के साथ सर्व करते हैं तो सुबह सुबह का नाश्ता बहुत ही बढ़िया पसंद किया जाता है। तो आप भी अपने परिवार के लिए बनाइए ताजा ताजा और स्वादिष्ट चीला और खिलाइए।